हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पुराने मेटल के ट्रंक की पेंटिंग। ये पुराना मेटल का ट्रंक है, इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप, ये ज़्यादा भी ख़राब नहीं हुआ है, ये 4-5 साल पुराना ट्रंक है। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले लेंगे 220 नंबर का रेगमाल वाटरप्रूफ का, और इसके ऊपर लगा लेंगे हल्का फुल्का, जिससे इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह लगी है वो साफ़ हो जाएगी। इसमें जंग वगैरह नहीं लगी हुई है, इसलिए इसमें प्राइमर मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर डायरेक्ट पेंट ही करूँगा। अगर आप प्राइमर मारना चाहते हैं तो प्राइमर मार भी सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर पेंट ही करूँगा डायरेक्ट इनेमल पेंट। कलर आप कोई भी कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर स्काई ब्लू कलर करूँगा। और अब ये तैयार हो चुका है पेंट करने के लिए। ये है डूलेक्स कंपनी का इनेमल पेंट, ये स्काई ब्लू है मेरे पास कलर। इसको पतला करने के लिए इसमें तारपीन का तेल या मिट्टी का तेल डालेंगे। एक लीटर में लगभग 200 या 300 ग्राम तक मिट्टी का तेल डाल सकते हैं। इसे अगर आप ब्रश से करना चाहते हैं तो ब्रश से भी हो जाएगा, मैं इसके ऊपर गन से करूँगा। अगर आपको ब्रश से करना है तो उसके 2 कोट लगाने पड़ेंगे, अगर आपको गन से करना है तो सिंगल कोट में ही आ जाएगा। बस इस तरह से मार देना है इसको, इसके बाद सिंगल कोट ही लगना है, इसलिए थोड़ा सा हिसाब से ही मारना पड़ेगा इसको, कहीं छूटे ना। आप चाहे तो डबल भी मार सकते हैं, वैसे डबल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही कोट में बढ़िया शाइनिंग आ जाएगी इसके ऊपर। और ये हो गया पूरा फिनिश। इसकी शाइनिंग भी बढ़िया आ जाएगी, क्योंकि इनेमल पेंट में शाइनिंग बढ़िया होती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।